ये मीठे होते खट्टे होते हैं? ऑर्गेनिक फूड फ्रेश है। ये देखो क्या कितना बड़ा है ना साइज में ना, जैसे ये वाला पोर्शन है जिसका, ये वाला पोर्शन पक चुका है, और ये वाला पोर्शन जो है ना उसका कच्चा है अभी, एक आध घंटे में बस आने वाली है, तो उससे पहले हमें लकड़ियाँ लेके आनी है। बहुत सुंदर व्यू हो रहा है, बहुत सुंदर व्यू है गाइस। गलती से किसी ने पैर फिसल गया ना तो सीधा नीचे जाएगा, उधर नीचे, और ये देखो पूरा नीचे तक दिख रहा है। आ गया आधा चीज। ये कौन सी लकड़ी है? Hey guys, what's up? This is Harry. Welcome back to my YouTube channel. एक fresh vlog में आप लोगों का स्वागत है फिर से, और मैं हसीन बाजियों के साथ एक नया vlog लेके start हो चुका हूँ, और देखिए vlog। कल की vlog में मैंने notice करा, ना तो मैंने उस vlog में मैंने starting करी थी, ना मैंने उस vlog में ending करी थी, पर कल का vlog बहुत adventureful रहा है। आपने देखा होगा कि हम लोग कैसे off-roading से होते हुए आए हैं, और ये लोग camera के पीछे कुछ हरकत कर रहे हैं। तो बहुत मजा आया था कल का व्लॉग। आप आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग। मैं भी गुमखाल में हूँ, गुमखाल के समवेयर में हूँ, तो मैं वहाँ से ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। आई कैन नॉट डिस्क्लोज माई लोकेशन राइट नाउ, तो यहाँ के बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। लिटरली यहाँ का मौसम भाई बहुत गजब वाला मौसम है। आप दूर तो देखो अभी तक कितना बज गया है, 12 बज गया अभी के यहाँ पे, और 12 बजे भी यहाँ कोई धूप नहीं निकली है। वो देखो उधर दिखा जरा, वो देखो ये पूरा व्यू, और ये देखो यहाँ से खतरनाक लग रहा है, एक नंबर व्यू, तो काफ़ी अच्छा है और दिखा रहा है। और गाइस एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको मैं, आप लोगों को याद होगा जब मैं ताड़केश्वर गया था ना, तो मैं इस रास्ते गया था, ये जो आपको रोड दिखाई दे रही है ये वाला रोड, ये ऐसे जा रही थी उस दिन ताड़केश्वर वाली, बहुत खतरनाक है इधर ऐसे। और जो जब भी आपको सतपुरी से आप गुमखाल या कोरदा निकल रहे हो तो आपको ये वाला रूट लेना पड़ता है, इधर वाला। जोर से बोलो सुना गाँव के बच्चे गाने बजा रहे हैं। नाम दरावा कोई रतन लवावा, तू मेरी जान है, मेरा भगवान आया बुर राजा, बुर राजा ना ये क्या कर तिकड़े तिकड़े। अम्मी गान मैं दूसरा गाना गाना ना जसमान बुर्रा यहाँ पे गाय बांधी जाती है, जो इनकी गाय है वो यहाँ बांध जाती है। अभी गाय कहाँ गई है, चरने गई है ना अभी गाय, तो उसके तो बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे। इन लोगों के पास ना इतने माल्टे और नारंगी के पेड़ लगे पड़े ना भाई, अल्टीमेट है। इसमें बहुत सारे माल्टे लगे हैं, इस साइड नहीं लगे हैं बट उस साइड लगे हैं काफी सारे माल्टे। एंड ये बम्बू का पेड़ है, संतरे, संतरे। और ये किस चीज का पेड़ है? ये भी कुछ गए लिम्बे, लिम्बे चबूतरे, 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 चबूतरे का पेड़ दिखाता हूँ आपको मैं। ये मीठे होते खट्टे होते मीठे होते, ये ऊपर लगे हुए देखो प्यारे से यार, ऑर्गेनिक फूल फ्रेश है। और ये यहाँ पर क्या है, ये नारंगी का पेड़ है, ये ऑरेंज का पेड़ है, बट ये ऑरेंज का पेड़ इसमें खत्म हो गया ऑरेंज है ना, ये चबूतरे का पेड़ है ना, ये देखो भाई ऐसे खाए हुए बहुत टाइम हो गया, और एक मुझे यहाँ मिल गया चबूतरा, ये देखो क्या कितना बड़ा है ना साइज में ना, मीठा होता होगा ना खाने में, मीठा होता है बिल्कुल। हाय गाइस, हाय गाइस, आई एम एवरीवी, गुड मॉर्निंग, आप क्या कर रहे हो दावत खाते में? अभी हम आपको कुकड़े दिखाएंगे, वो भी जालीदार वाले, जबरदस्त वाले, एक चीज और है इस साइड में ना, लोग यहाँ पर जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं ना वो कैसे करते हैं आपको दिखाता हूँ। इन लोगों ने मुर्गियाँ पाली हुई है, खरगोश पाले हुए हैं, तो मैं वो दिखाता हूँ। टोनी टोनी मर चुका, कितने सारे मुर्गे हैं देखो, ओ वाओ कड़ेनाथ भी है, कितने सारे मुर्गे रखे हैं उन्होंने यहाँ। हाँ दिखा दो ना मुर्गे। हाँ गाइस बोल क्या बोल रहे हैं, ये जंगली कुकड़ी है, देखो ये हम गुमका से लाए, ये कड़कनाथ माँ बेटी से मिल गए, थैंक यू भाई। हर जगह व्लॉगर मिलेंगे आपको हर जगह, देखा कैमरा आते ही किस तरह से बोल रहा बंदा दोबारा। हाँ क्यों नहीं चबूतरा गाइस, ये देखिए चबूतरे छोटे से हैं ठीक है ना, हम आगे गए अबे कैमरे में मार रहा गाइस, देखो मेरे को एक चबूतरा मिला, इसमें कुछ नहीं है, अगर इसको खाएंगे तो नमक नमक
और यहाँ पर मतलब इतने सारे माल्टे और चबूतरे लगे पड़े ना, मतलब वेस्टेज हो रही है बहुत सारी। देखो उस साइड भी गिरे पड़े हैं देखो, और इधर भी गिरे पड़े हैं, और ये फेंक रहे हैं, खेल रहे हैं। देखो इसको देखिए ऐसे ऐसे करते रहते हैं, लगे पड़े हैं देखो यहाँ, इतने सारे लगे पड़े हैं इस पे, और इस पे भी लगे पड़े हैं ये देखो, एंड इधर भी है। ये मेरा चुन्नू मुन्नू, देखिए चुन्नू मुन्नू का। आपको मैं थोड़ा सा यूनिक चीज बताता हूँ, वैसे ये बहुत पहाड़ों में ही पाई जाती है, ये है वो छूते, ये देखो ये है, इसको इसको यहाँ बोलते हैं छूते। अरे हाथों में लग रहा है कुछ तो गोद उसका, हाँ कुछ लग रहा है इसमें हाथों में, जैसे ये वाला पोर्शन है जिसका पक चुका ही है, और ये वाला पोर्शन जो है ना इसका कच्चा है भी। इसके अंदर ना छोटे छोटे बीज निकलेंगे जो बड़े टेस्टी होते हैं खाने में। मेरी बात तो सुन लो, ये पका है बहुत, देखो टेस्ट लेंगे तो स्वाद आएगा, स्वाद लेने के बाद मस्त खिचड़ी उठ कि जैसे हम लोग अपने घरों में, मतलब जैसे अगर मैं सिटीज की बात करूँ तो वहाँ पर लोग ईंट का मकान बनाते हैं, बट यहाँ पर जो होता है पहाड़ों में लोग ईंट का मकान नहीं बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं पत्थरों का मकान। मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग पत्थरों के मकान से किस तरह से बनाते हैं लोग। इस पे जो चिनाई हो रखी, किस तरह से हो रखी चिनाई, ये है इसकी जो विथ है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो ये 18 इंच की होती है। अगर मैं बात करूँ उस टाइम पे अगर ईंट की, तो ईंट की जो होती है वो सिर्फ 9 इंच की बनती है, एज कम्पेयर पहाड़ों में जो मकान जो होते हैं वो बहुत काफी पक्के होते हैं, काफी स्ट्रांग होते हैं। ये देखो ये चिनाई किस तरह से हो रखी है, इस तरह से बन रखा है मकान, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जब बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं बारीकी से दिखाऊँ तो ये देखो किस तरह से बना हुआ है, और एज कम्पेयर अगर मैं ईंट की बात करूं तो जो ब्रिक्स होती हैं उनसे काफी स्ट्रांग होते हैं, कभी भी यहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो जल्दी से मकान नहीं गिरते यहाँ पे। मेरी बात, हाँ बोल, क्या बोल रहे हैं? ये मौसम देख रहे हैं, मेरे को लग रही है बारिश खराब हो रही है, वो देखो कितने सारे, ये उधर भी है उधर भी है, उधर से मेरे मामा उधर से रोड से गए थे तो मैं किधर, मैं भी तो उधर से गया था, तो ये मौसम खराब हो रहा है कि मेरे को लग रहा है मौसम खराब हो रहा है कि बारिश आ रही है। इन लोगों ने कहा खेती बहुत कर रखी है यहाँ पे, तो मैं इसको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या क्या लगा है। लहसुन देखो कितनी सारी लहसुन लगी यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ ये देखो, यहाँ पर इन लोगों ने लहसुन लगा रखी है इतनी सारी, काफी लहसुन ज्यादा है यहाँ पर भी, बहुत सारी लहसुन लगी है ये देखो ये। सो मतलब इन लोगों का ना बाहर से जो राशन होता है ना वो लाना, मतलब बाहर से सब्जियां लाना और आटा चावल ये लगाना बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि घर पे इतना सारा हो रहा है। और वहाँ कुछ हरी सब्जी लगी है, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये इस साइड का ही हरी सब्जी लगी है। इसका नाम गेंडा है, इसका नाम मूंगा है। तोड़ने की तकनीक क्या है कि हम इसके अंदर फंसा, इसके अंदर फंसाना है ना इसको, हाँ। ये जो दो है इसके अंदर फंसाना है, फिर घुमा हाँ। देना ना, पकड़ 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 पकड़, पकड़। Oh, no! इसने कैच छोड़ दिया, एक बात बोलिए, ये देखिए अब मौसम ठीक हो रहा है, वहाँ देखिए मौसम, ये मौसम विभाग में काम करता है, बार बार मौसम विभाग की बात कर रहा है। मौसम देखता, मौसम पे एक मिनट के लिए ठीक है, साफ भी दिखता है। मैं बहुत मिस करने वाला हूँ ये सब चीज़ें, और यहाँ का खाना, यहाँ के जो फ्रूट्स हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब अपने आप में कुछ अलग यूनिक बात उनमें, और बहुत अलग फ्रेश एयर है, हर चीज़ बहुत डिफरेंट है यार एज़ कम्पेयर सिटीज़। तो खैर मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता, और यहाँ के बारे में कहना भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ये मोमेंट जो है ना मैं इन्जॉय करने वाला हूँ, और यादगार पल बनने वाले हैं ये मेरे लिए, और बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। एंड चंडीगढ़ में बहुत मिस करने वाला हूँ मैं ये चीज़ें सारी, बहुत बार हो चुका था, हर टेंपल में जा रहा हूँ और ये एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा सा कुछ यूनिक करता हूँ वीडियोज़ में। तो आई होप आप लोग ये इन्जॉय कर रहे होंगे वीडियोज़। विंटर्स है ना, तो विंटर्स में धूप थोड़ा कम निकलती है यहाँ पे, एंड जब यहाँ पर स्नोफॉल होता है ना भाई बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। पूरे जो ये आप देख रहे हैं ना पहाड़, ये ऊपर वाले पहाड़ और एट द सेम टाइम वो वाले पहाड़, वो सारे पहाड़ पूरे स्नो से ढक जाते हैं, और कम से कम महीने महीने तक भी बर्फ लगी रहती है यहाँ पे। और एक चीज़ और है, यहाँ पर जो है रोड की जो सुविधा है ना वो उपलब्ध नहीं है, मतलब यहाँ पे जो कन्वीनियंस है ना बहुत रेयर होता है। अब देखोगे अगर जहाँ पर भी मैं हूँ, यहाँ से जो मार्केट है वो ऊपर है काफ़ी, और एक मार्केट आपको वहाँ दिख रही है जो आप नीचे रोड देख रहे हो ना, वहाँ दिख रही है, तो वहाँ से लोग अपना सारा सामान होता है ना जो महीने में एक बार लेके आते हैं, और उसमें पूरे सर्वाइव करते हैं। और आपने जो लास्ट वाली वीडियो होगी आपने वो भी देखा होगा कि वो रोड किस तरह से मैं वहाँ पर बाइक लेके आया हूँ, तो मतलब किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं यार, हैट्स ऑफ फॉर देम कि इस
ऐसी कंडीशन में ये लोग फिर भी रह रहे हैं। सिटीज में इतने मतलब हमारे सारी फैसिलिटीज होती है हमारे पास और इनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं होती है, फिर भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं। और खुशी देखिए अपने बच्चों के चेहरों पर, इतनी खुशी है। और गाइस आई मस्ट से कि हर गली में हर घर में व्लॉगर बसा पड़ा है। अगर आपने देखा होगा दो बच्चे मेरे साथ थे जो गांव के, वो खुद बोले जा रहे हैं हाय गाइस, ये गाइस, वो गाइस कर रहे हैं। तो मतलब व्लॉगिंग जो टैलेंट है ना, उन पे बचपन से ही घुसा पड़ा है। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर रोड का काम चल रहा है, यहाँ पर रोड आना स्टार्ट हो गई है। एंड ये आ रही है, ये रोड ऊपर है, ये बन रही है। और एक रोड यहाँ पर है इस साइड, ये। और लोगों ने खेती बहुत कर रखी है साइड यहाँ। आजकल विंटर्स है ना, तो विंटर्स में यहाँ कुछ होता नहीं है, सब जगह जो है मतलब यू नो सूखा सूखा हो रखा है यहाँ पे। और ये सामने है नाशपाती का पेड़, ये वाला। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से माल्टे तोड़ने वाले हैं, ठीक है। और हमारी स्ट्रेटेजी देखो, प्लानिंग, अगर इसने छोड़ दिया तो वो वाला पकड़ लेगा नीचे वाला, ठीक है ना। पकड़ लोगे ना, चलो ठीक है। अब देखते कौन पकड़ता है। 1 2 रेडी। वो यदि पहले वाले ने पकड़ दिया है, चलो। अरे यार इसको मारूंगा। अरे छोड़ दिया उन्होंने, बताओ यार। चार तोड़े थे, उसमें तीन आ गए, उसमें से एक ने छोड़ दिया। ये पका रहे हम छूते, तो ये हमने जला दिए। इसके अंदर से जो बीज निकल रहा है वो ये निकल रहा है, देखो ऐसे छिलके। और ये वाला बीज है वो ना, इन्हें खाते हैं। बीज के अंदर की जो इसकी खीर भी बनती है, तो वैसे खाने में ही बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मौसम हो गया ख़राब और रात को हमारा बॉनफायर करने का बहुत अच्छा प्लान है। तो जस्ट अब हम लोग जा रहे हैं लकड़ी काटने, शाम को बॉनफायर देखने को मिलेगी। बारिश आ जाएगी एक आध घंटे में, बस आने वाली है। तो उससे पहले हमें लकड़ियाँ लेके आनी है। तो ये जो जंगल दिखाई दे रहा है आपको पूरा, पर हम इस जंगल जाने वाले हैं, यहाँ से लकड़ियाँ पूरा काट के लेके आएंगे। अब हमें लकड़ियाँ देखनी है कि लकड़ियाँ कहाँ मिलती हैं। बहुत सुंदर व्यू हो रहा है, बहुत सुंदर व्यू है ये गाइस। बेल का पेड़ है ये वाला। ओ भाई साहब गाइस, गलती से किसी ने पैर फिसल गया ना, तो सीधा नीचे जाएगा, उधर नीचे जाएगा। ये बोल रहे कि यहाँ पर कोबरा सांप बहुत रहता है। ये वाला एक्सपीरियंस तो भाई अमेजिंग है यार, बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है। ये आ गया है आधा पीस। पैर लगा उसमें, पैर लगा, इधर डाल दो ने। मामा शांत हो तो लगी काटनी है ना। या ऑन सी भाई साहब, इसका और बड़ी करना नहीं, ठीक है हां। बहुत अच्छा लगा, लकड़ी फाड़ के यार मजा आ गया। ये हमारा कैमरामैन है, कैमरामैन मैं अंकू बुलाता है। आई होप कि आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इस बार व्लॉग में कुछ नया डाला है, नया देखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, तो उसके लिए जो सब्सक्राइब बटन है वो दबा लेना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मेरी तरफ से आ जाए। मिलते हैं ऐसे किसी फ्रेश व्लॉग में वंस अगेन। टिल देन राइड सेफ, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। दिस इज हैरी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।